नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल बॉल जिट में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं सारण्य परिवार के सिलसिले में। जी हां फ्रेंड्स, सारण्य परिवार में देश भर के लाखों लोगों को के निवेशकों के जो है पैसे फंसे हैं। सारा का कहना है कि वे निवेशकों का पैसा लौटाना तो चाहती है, लेकिन मार्केट रेगुलेटरी से भी ने ये पैसे अपने पास रख लिए हैं। जी हाँ, सहारा का कहना है कि सेबी ने जो है अपने पास ये पैसे रख लिए हैं। सहारा की योजनाओं में लाखों लोगों की जमकर पैसा लगाया था। अगर हम बात करें सहारा की योजनाओं में, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने जो है अपने इसलिए पैसा लगाया था क्योंकि उनको अच्छा रिटर्न मिल रहा था। अगर हम बात करते हैं कि कई साल बीत जाने के बाद ही सहारा ने उन्हें अपनी रकम का इंतज़ार मतलब जो है करवाया है। अगर हम बात करें सन 2012 की बारे में बात करें तो सन 2012 के बाद से बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पैसे क्या हो गए, होल्ड हो गए, मतलब अभी तक मिल नहीं पा रहे। सरकार के मुताबिक सार इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि SIRECL ने 232.85 लाख निवेशकों को, मतलब अगर 232.85 लाख निवेशकों से 19,400.87 करोड़ रुपये और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 75.15 लाख निवेशकों से 6,380.50 करोड़ रुपये एकत्रित किए थे, लेकिन सेबी सहारा के निवेशकों को ब्याज समेत कुल 138.07 करोड़ रुपये ही वापस कर पाया है। साफ है कि निवेशकों को अभी भी बहुत सारे रुपए जो है उनके इन्वेस्टमेंट है अभी सारण्य परिवार में जो अभी तक उनको नहीं मिल पाए। सरकार की तरफ से संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक सेबी को 81.70 करोड़ रुपए की कुल मूल राशि के लिए 53,642 ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट पासबुक से जुड़े 19,644 आवेदन मिले हैं। सेबी ने इनमें 138.07 करोड़ रुपए की कुल राशि 48,326 ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट पासबुक वाले 17,526 अगर हम बात करें कि बॉन्ड होल्डर्स को रिफंड किया है। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स से आप सभी के लिए है। आशा है नए अपडेट्स के साथ मैं फिर से हाजिर होगा। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।